नगर परिषद चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। बकोहो नगर परिषद में प्रत्याशी प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से कर रहे हैं। इसी दौरान साधना न्यूज शहडोल की टीम क्षेत्र भ्रमण के दौरान वहां जा पहुंची, जहां साधना न्यूज ने नगर परिषद बकोहो वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद प्रत्याशी रेखा महेंद्र सिंह से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपने विकास कार्य और चुनाव योजनाओं के संबंध में संवाददाता अरुण द्विवेदी से खास चर्चा की। मौजूद हैं शहडोल जिले की नई नई बनी नगर परिषद बकहो नगर परिषद में, और यहां पर हमारे सामने हैं श्रीमती रेखा महेंद्र सिंह जी। हां, वार्ड क्रमांक 4 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद पद की ये प्रत्याशी हैं। तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप ये चुनाव लड़ रही हैं और क्या बदलाव करेंगी अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है तो? मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को एक बार जनता की सेवा करने के लिए मौका दें जनता लोग, और जो भी मेरे से जितना भी हो सकेगा मौका दें, मैं पूरी सेवा करूंगी। आपके वार्ड में आपको क्या क्या कमियां लग रही हैं, किन क्या क्या कमी है और उसके बाद आप किन किन चीजों का काम करेंगी सब सर्वप्रथम? मेरे वार्ड नंबर 4 में पानी की जैसे समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, रोड की समस्या हो गई, उसको भी मैं पूरा करवाऊंगी। अच्छा जी जी। और शिक्षा या स्वास्थ्य को लेके क्या कैसी हालत है? उसको भी वहाँ भी हो गया, यहाँ अपने बकाओ में नहीं है स्वास्थ्य, यहाँ भी जी जी जी, तो यहाँ भी हो गया। और बहुत सारे दबंग लोग लड़ रहे हैं और खास तौर पे ये जो वार्ड नंबर 4 है इसे बड़ी प्रमुखता से देखा जा रहा है, क्योंकि महिला अध्यक्ष भी बनना है आपकी परिषद का जी जी। तो काफी लोग आपसे आशाएं भी हैं, क्षेत्रवासियों को, आपके वार्ड वासियों को। तो क्या लगता है आपको कि आपको आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है अपने वार्ड के? बिल्कुल, मेरे को फुल आशीर्वाद मिल रहा है जी जी जी। और घर और परिवार से कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है आपके परिवार के, और राजनीति से या समाज सेवा से जुड़े हुए लोग रहे हैं क्या? बिल्कुल। कौन कौन? समाज सेवा ही शुरू से चलते आ रहा है। अच्छा अच्छा जी जी। और मैं यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं की बेटी हूँ, यहीं की बहू हूँ, बहू हूँ, और जी जी। मेरे पति हमेशा जनता की सेवा मतलब लगे रहते हैं हमेशा जी, उनका यही मतलब वही है जनता की सेवा ही करना जी। तो आपको भी अगर आप यहाँ जन्मी हैं तो देश ये है कि आप यहाँ की दशा और स्थिति सुधारेंगे आप अपने वार्ड? नहीं, बिल्कुल मैं सुधारूंगी यहाँ जी। और अन्य और कौन सी समस्याएं हैं और क्या बदलाव आप करना चाहेंगी? यहाँ बहुत सारे अशिक्षित और गरीब लोग भी आपके वार्ड में होंगे जी जी। तो उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए क्या करना चाहेंगी? मैं क्या कहते हैं, गरीबी लोग के लिए जो उनका जैसे कार्ड नहीं बना है, गरीबी रेखा वाला कार्ड नहीं हुआ है जी, और भी बहुत से उनका जैसे मतलब काम वो हुआ जी, है जी, तो भी मतलब काम मैं करवाना चाहती हूँ यहाँ का बकहो का, मैं ये क्षेत्र में विकास करना चाहती हूँ। और जिनके उद्धार नहीं है, जिनकी झोपड़ी है, उनको मैं आवास भी दिलवाना चाहती हूँ, पक्का बनवाना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। रोजगार दिलवाने के लिए क्या आपका कदम रहेगा? ये जो सहायता समूह है उसको भी हम लोग के लिए दिलवाना चाहती हूँ। अच्छा, महिलाओं के लिए जी, महिलाओं और के जो लिए। युवा हैं उनको उनको भी मतलब जिनका वो है बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी मैं सहायता करना चाहती हूँ। अच्छा, बेरोजगारों को भी रोजगार दिलवाने का प्रयास रहेगा आपका? जी। ये है रेखा महेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 4 से भाजपा की पार्षद प्रत्याशी। इनका कहना यह है कि मैं यहीं जन्म ली हूं, यहीं की बहू हूं, तो निश्चित रूप से अपने वार्ड की दशा और स्थिति सुधारने का प्रयास करूंगी। दर्शकों, हम मौजूद हैं शहडोल जिले की नई नई